बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बहुत ही टेस्टी सा मिंट मार्गरीटा बनाना सिखाएंगे घर में, तो इजी तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। तो बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने ये 1 टेबल स्पून जो है नमक लिया है, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। हाफ पहले हमने शुगर लिया है, 2 से 3 चम्मच हैं ऑलमोस्ट ये शुगर के, ठीक है। और थोड़ा सा हमने लेमन जूस लिया है, 3 से 4 लेमन लिए थे, उसका हमने जूस निकाल लिया इस तरह से। और थोड़े से हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं, साफ़ कर लिए इनको अच्छी तरह से, वॉश कर लिया हमने। और एक हमने स्प्राइट लिया है 1/2 लीटर। तो चले बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा मिंट मार्गरीटा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा मिंट मार्गरीटा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये पुदीना ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जो नमक हमने वो ऐड करेंगे इसमें। 2 से 3 चम्मच हम इसमें ये शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये लेमन जूस ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये 7 अप या स्प्राइट, कोई भी बोतल आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ये बोतल ऐड करेंगे, 7 अप या स्प्राइट, इट्स अप टू यू, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अब हम इसमें ये आइस क्यूब ऐड करेंगे। अब हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। तो लें जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा जो मिंट मार्गरीटा वो रेडी हो चुका है। तो लें जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा मिंट मार्गरीटा रेडी है। इसको अब हम सर्व करते हैं। तो लें जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा जो मिंट मार्गरीटा वो रेडी हो चुका है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी टेस्टी सी चीज़ें बनाने को मिलें, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।